जय हिंद, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजे क्रिक लाइव में। चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2023 का फाइनल होने वाला है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, इस मैच में आप ग्रैंड लीग में शुभमन गिल को कैप्टन बिल्कुल भी मत करना। इसके लिए मैं आगे बताता हूं क्यों नहीं करना है। फिलहाल के लिए बात करेंगे दोनों टीमों की पिछले परफॉर्मेंस की, तो दोनों टीमें बहुत जबरदस्त रही। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले जो पांच मैच जीते हैं, पिछले जो पांच मैच खेले उसमें चार मैच जीती है, सिर्फ एक मैच हारी, जबकि गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपक स्टेडियम में हराया। उसके अलावा गुजरात ने पिछले पांच मैचों में दो हार झेला है और तीन जीत हासिल हुई, जिसमें पिछले मैच में फिलहाल के लिए रात में मुंबई इंडियंस को हरा करके उसे आईपीएल से बाहर कर दिया। अब फाइनल में दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड की बात करें तो चार बार दोनों टीमें आपस में भिड़ चुकी हैं। 2022 में दो बार दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, दोनों ही बार वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस ने हरा दिया था। उसके अलावा 2023 में एक लीग मैच दोनों टीमों के बीच में हुआ था, जहां पर गुजरात ने जीत हासिल करी थी और वो आईपीएल 2023 का पहला ही मैच था। और आईपीएल 2023 का आखिरी मैच जो कि फाइनल है, इन्हीं दोनों टीमों के बीच में होने वाला है। वैसे पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी ही आसानी से जीत हासिल कर ली थी गुजरात टाइटंस के ऊपर। उसके अलावा बात करेंगे दोनों टीमों के जो पिछले परफॉर्मेंस रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो हेड टू हेड में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं और उनको हम अपने इलेवंस में रखेंगे जो कि आपको फैंटेसी जिता सकते हैं। तो 2023 की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 2022 का फिलहाल काफी पुराना हो जाएगा, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स थे जो उन्होंने खेले भी नहीं थे 2022 में। और फिलहाल के लिए बात करेंगे 2023 में जो अभी पहला मैच दोनों टीमों के बीच में खेला गया था, इसी ग्राउंड पर खेला गया था, उस मैच के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करी, 178 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। डेवन कॉनवे एक रन बना के आउट हुए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ बहुत जबरदस्त फॉर्म में, बंदा पिछले चारों मैचों में इस टीम के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगा चुका है, चारों मैचों में। 2022 में दो मैच हुए, दोनों में लगाया। लीग मैच 2023 का जो पहला हुआ उसमें 92 रन बनाए ही थे, और जो चेन्नई के चेपक स्टेडियम में मैच हुआ है अभी क्वालिफायर वन, उसमें भी हाफ सेंचुरी जड़ाई। मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स यहां पर होने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस मैच की बात करेंगे, जो पहला लीग मैच हुआ था 2023 का, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 बॉल में 92 रन बनाए, मोइन अली ने 17 बॉल में 23 रन बनाए, उसके अलावा अंबती रायडू ने 12 रन, शिवम दुबे ने 19 रन बनाए थे, एमएस ने इस ग्राउंड पर 14 रन 7 बॉल में बनाए थे। अब बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट गुजरात की, तो मोहम्मद शामी को 2 विकेट, जाशुआ लिटिल को 1 विकेट, राशिद खान को 2 विकेट और अलजारी जोसेफ को 2 विकेट इस मैच में मिला था। और गुजरात की टीम की बात करेंगे, 182 बना के 20वें ओवर में मैच को जीत लिया था 5 विकेट से। रिद्धिमान साहा ने 16 बॉल में 25 रन बनाए थे, शुभमन गिल ने 36 में 63 बनाए, उसके अलावा शाई सुदर्शन ने 17 बॉल में 22 रन बनाए थे, विजय शंकर ने 21 बॉल में 27 रन बनाए थे, राहुल तेवटिया 14 में 15 बना के आउट हुए थे। तो इस तरीके से गुजरात की तरफ से ये बैट्समैन थे जिन्होंने रन्स बनाए और जिताए। उसके अलावा शुभमन गिल की बात करेंगे, क्या कहना, जबरदस्त, लाजवाब, बिल्कुल एकदम लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नजर आते। पिछले तीन मैचों में तो कमाल धमाल कर दिया, वैसे पिछले चार मैचों में एक्चुअली, और सबसे लोएस्ट स्कोर पिछले चार मैचों में चेन्नई के ही खिलाफ चेपक स्टेडियम में आया था, वो 42 रनों का। बाकी के जो तीन मैच हैं पिछले चार मैचों में, सब में सेंचुरी मारी है। कल रात में तो गजब ही ढा दिया मुंबई के खिलाफ, और जो कहर बरपाया है, 129 रन बनाए थे शुभमन गिल ने, तो इनका तो रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। और पिछले दो मैच जो अहमदाबाद में शुभमन गिल ने खेले हैं, सनराइज हैदराबाद और मुंबई के खिलाफ, दोनों ही मैचों में सेंचुरी जड़ चुके हैं। तो शुभमन गिल से पार पाना चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बॉलिंग में, उस जो पहला लीग मैच हुआ था, तो दीपक चहर को कोई विकेट नहीं, तुषार देशपांडे ने 1 विकेट लिया था, राजवर्धन हंगसरकर के 3 विकेट मिले थे और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला था इस मैच में। अब एक और मैच हुआ था जो कि क्वालिफायर चेन्नई के चेपक स्टेडियम में, इसकी भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन से वो प्लेयर्स थे जो टॉप परफॉर्मेंस थे। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 60 रन 44 बॉल में बनाए, डेवन कॉनवे 34 बॉल में 40 रन बनाए। और फिलहाल के लिए आपको अहमदाबाद के ग्राउंड पर डेवन कॉनवे को बिल्कुल ड्रॉप कर देना, बिल्कुल टीम में मत रखना, क्योंकि डेवन कॉनवे हमेशा जो पिच स्लो होती है उस पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जैसे दिल्ली की पिच हो या फिर आपकी चेपक की पिच हो, तो ऐसी जो पिच होती है वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से ये बैटिंग करते नजर आते हैं, लेकिन जो सपाट पिच होती है वहां डेवन कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट मैच ऐसे रहे हैं जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस जरूर किया है, पर ये रिस्की रहेंगे। पिछले मैच में भी रन्स नहीं बनाए थे इस ग्राउंड पर, 0 पर आउट हुए थे। शिवम दुबे की बात करेंगे, वो इस मैच के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। शिवम दुबे की खासियत रही है कि चेन्नई से बाहर जो सपाट पिच होती है उस पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, भले ही पहले मैच में इन्होंने न बनाया हो रन्स ज्यादा, लेकिन इस तरह के पिच पर उनको उनके ज्यादा रन्स बनते हैं, जैसे कि आपके चिन्ना स्वामी स्टेडियम था वहां पर रन्स बनाए थे,
उसके अलावा आप फिलहाल के लिए राजस्थान का जो पिच था वहां पर रन्स बनाए थे, मतलब कि ये सपाट पिच पर रन्स बनाते, तो शिवम दुबे यहां पर इंपोर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, ये भी सपाट पिच पर चलते हैं, तो इनको भी आपको टीम में रखना है। और फिलहाल के लिए इस मैच की बात करेंगे, जो पिछला मैच खेला गया था चैपक स्टेडियम, उस मैच में ऋतुराज ने 60 रन, डेवन कॉनवे ने 40 बनाया, अजिंक्य रहाणे ने 17 बनाया, अंबाती रायडू 17 और रविंद्र जडेजा ने 22 रन बनाए। इस तरीके से चेन्नई की टीम 172 पर पहुंची 7 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में मोहम्मद शमी को 2 विकेट और दर्शन लाल कांदे को 1 विकेट, उसके अलावा राशिद खान को 1 विकेट, नूर अहमद को 1 विकेट, मोहित शर्मा को 2 विकेट मिला था। गुजरात की बात करेंगे, 157 पर पहुंची 10 विकेट खो करके, साहा ने 12 रन, शुभमन गिल ने 42 रन बनाए और दाशुन शनाका ने 17 रन, उसके अलावा विजय शंकर 14 रन, राशिद खान ने जरूर 16 में 30 बनाए थे। उसके अलावा बॉलिंग में बात करेंगे, दीपक चहर को 2 विकेट, तुषार देशपांडे को 1 विकेट, महेश तीक्षणा को 2 विकेट, रविंद्र जडेजा को 2 विकेट और मथीसा पथी राणा को 2 विकेट मिला था। अब बात करेंगे यहां पर कॉमन प्लेयर्स की, तो फिलहाल के लिए जो पिछले 4 मैचेस हुए हैं उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने, मैंने आपको बताया, 4 हाफ सेंचुरी जड़ चुके, इस टीम के खिलाफ बढ़िया चलते हैं। शिवम दुबे आपको अच्छी बल्लेबाजी देंगे, उसके अलावा विजय शंकर आपको इस ग्राउंड पर अच्छी बल्लेबाजी देते हुए नजर आएंगे और शुभमन गिल तो चलेंगे ही चलेंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या इस मैच में फ्लॉप होंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे बॉलिंग में, तो मोहम्मद शमी ने हर मैच में चेन्नई के खिलाफ दो तीन विकेट लिए हैं पिछले जो 4 मैच रहे हैं। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स जैसे रविंद्र जडेजा, ये आपको हर मैच में विकेट लेते हुए नजर आएंगे गुजरात के खिलाफ, तो इनको भी आपको हर हाल में टीम में रखना, ये सारे प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले पिच की, उसके बाद बताएंगे आपको क्या प्लेइंग 11 आपको रखना है अपनी टीम में। वैसे ओवरऑल पिछले 10 मैचों में चेन्नई ने 7 मैच जीते हैं, 181 एवरेज स्कोर, 235 हाईएस्ट जो कि कोलकाता के खिलाफ आया था, 138 लोएस्ट स्कोर है। उसके अलावा गुजरात ने जो पिछले 10 मैच खेले उसमें 70% मैच इसने भी जीते हैं, 182 एवरेज स्कोर, 233 हाईएस्ट और 119 लोएस्ट स्कोर। लगभग दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर, इसीलिए तो दोनों फाइनल खेल रही हैं। और दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंस ग्राउंड पर देखेंगे, ग्राउंड मतलब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा। चेन्नई ने 1 मैच खेले जो कि आईपीएल 2023 का पहला मैच था, वो हार गई थी। गुजरात ने 9 मैच खेले, 9 मैचों में यहां पर 5 मैचों में जीत हासिल करी, 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। एवरेज स्कोर 186 का है, हाईएस्ट स्कोर 233, लोएस्ट स्कोर 125 का है। उसके अलावा बात करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ग्राउंड की, तो फिलहाल के लिए बारिश के लगभग 20-25% चांसेस हैं, बारिश हो सकती है। टेम्परेचर जैसे कल का था वैसे ही इस मैच में भी टेम्परेचर आपको 29-30 के आसपास का रहने वाला है मैच के टाइम पर। और फिलहाल के लिए पिछले जो 18 मैच खेले गए हैं 61% बैटिंग करके मैच जीता गया है, 49% बाद में बैटिंग करके मैच जीता गया। लेकिन आपको एक चीज़ मैं कॉमन फैक्ट बता दूं, पिछले जो 5 मैच यहां पर खेले गए, 5ों ही मैचों में पहले बैटिंग करके यहां पर टीम जीत रही है, पिछले लगातार 5 मैचों में। ये मैंने आपको प्रेडिक्शन जब मैं लाइव आया था मुंबई गुजरात के बीच, जो सेकंड क्वालिफायर खेला गया था कल शाम को, वहां पर भी मैंने ये बताया था कि भाई पिछले 4 मैचों में लगातार जो टीम पहले बैटिंग कर रहे वही मैच जीत रही, इसलिए गुजरात मैच जीत जाएगी, मुंबई हारेगी। और वही हुआ, गुजरात मैच जीत गई, मुंबई मैच हार गई थी। फिलहाल के लिए इस मैच में भी कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मतलब टॉस बहुत महत्वपूर्ण है, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने के लिए ही यहां पर जाएगी। वैसे एवरेज स्कोर की बात करें तो 172 रन एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का पहली इनिंग का है, लेकिन इस समय 2023 में जो अभी मैचेस खेले गए हैं इसमें 185 रनों का एवरेज स्कोर हो चुका है। सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 157 का, हाईएस्ट स्कोर अभी कल रात में यहां पर बनाई है जो कि 233 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई के खिलाफ गुजरात ने बनाए। लोएस्ट स्कोर पिछले सीजन में 2022 में यहां पर कोलकाता पंजाब के बीच में 123 रन बना था। अब बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो फिलहाल के लिए पहली इनिंग में यहां पर जो अब तक मैचेस रहे हैं पिछले 10 मैच खेले गए उसमें 72% विकेट फास्ट बॉलर ने लिए हैं, सिर्फ 28% विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, और 89 विकेट फास्ट बॉलर ने और 35 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। वैसे पिछले 3 जो मैचेस यहां पर रहे उन 3 मैचों की बात करेंगे और बताएंगे आपको 3-4 मैचों में किस तरीके से यहां पर विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर स्पिनर्स को। तो बात करेंगे सबसे पहले गुजरात और दिल्ली के बीच में जो मैच हुआ था, उस मैच में दिल्ली 130 रन बनाई 8 विकेट के नुकसान पर, और दिल्ली ने 130 को भी डिफेंड कर लिया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पहले बल्लेबाजी करना आसान है। गुजरात ने 125 बनाए इस मैच में 6 विकेट के नुकसान पर। उसके अलावा इस मैच में दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी जब हो रही थी मोहम्मद शमी को 4 विकेट मिला था, उसके अलावा राशिद खान को 1 विकेट और मोहित शर्मा को 2 विकेट मिला था। एक मैंने यहां पर प्लेयर्स का नाम नहीं लिया था, मोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई के खिलाफ तो बहुत बढ़िया कहर ढाता है, पिछले मैच में भी विकेट लिए थे और खास करके चेन्नई की टीम की तरफ से खेलने का इनको एक्सपीरियंस कमियां और सारी चीजें पता है, तो यहां पर मोहित शर्मा बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। मुंबई के खिलाफ भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया,
सीजन इनका काफी अच्छा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के जो 6 विकेट गिरे थे दिल्ली वाले मैच में, उस मैच में खलील अहमद 2 विकेट, ईशान शर्मा को 2 विकेट मिला था, नौरखिया को 1 विकेट, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला था। यानी कि भाई फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा विकेट मिल रहे हैं। गुजरात और लखनऊ के बीच जो मैच हुआ था, गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करी, 2 विकेट खोए थे, उसमें मोहसिन खान आबिस खान को 1-1 विकेट मिला। सेकेंड इनिंग में लखनऊ के 7 विकेट गिरे, जिसमें से मोहम्मद शामी को 1 विकेट, राशिद खान को 1 विकेट, नूर अहमद को 1 विकेट, मोहित शर्मा को 4 विकेट। मतलब यहां भी फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट्स मिलते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा गुजरात और हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ था, इस मैच में भी शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई थी, 188 रन बनाए गुजरात ने 9 विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट तो भुवनेश्वर कुमार ने निकाल डाले, मार्को जॉनसन को 1 विकेट मिला, फारूकी फजालक को 1 विकेट, उसके अलावा टी नटराजन को 1 विकेट। मतलब टोटली फास्ट बॉलर को विकेट गए हैं। और सनराइज हैदराबाद के जो 9 विकेट गिरे, वो सारे के सारे 9 विकेट यहां पर फास्ट बॉलर को मिले, मोहम्मद शामी को 4, यश दयाल को 1 विकेट और मोहित शर्मा को 4 विकेट। मोहित शर्मा हर जगह छाए पड़े हैं, कहीं भी आप देख लीजिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए मोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। पिछले रात जो मैच हुई थी मुंबई गुजरात के बीच में, गुजरात ने 233 बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और टॉप स्कोरर तो सबको पता है शुभमन गिल है, 129 बनाए। हार्दिक ने भी 13 में 28 बनाए थे। और इस मैच में जो 3 विकेट गिरा था, तो पहला तो पीयूष चावला को विकेट मिला, चलिए समझते हैं इस चीज को, आकाश मांडवाल को 1 विकेट और मिला था, 1 रन आउट देखने को इस मैच में, सॉरी रिटायर हर्ट देखने को मिला था साई सुदर्शन के रूप में। उसके अलावा मुंबई के 10 विकेट गिरे थे, और जिसमें से 2 विकेट मोहम्मद शामी को, 2 विकेट राशिद खान को, 1 विकेट जासुआ लिटिल, मोहित शर्मा को 5 विकेट मिला था। मतलब हर हाल में भाई मोहित शर्मा को टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके फास्ट बॉलर को टीम में भर भर के झोली भर के रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करेंगे कौन सी प्लेइंग 11 होगी जो आपको फैंटेसी जिता सकती है, उसके बाद आपको बताएंगे दोनों टीमों की जो कमियां हैं वो क्या कमी है दोनों टीमों में, और दोनों टीमों की ताकत क्या है। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं भाई, जो आपकी फैंटेसी प्लेइंग 11 होगी जो आपको स्मॉल लीग जिताएगी, हेड टू हेड जिताएगी, उसकी बात करेंगे, और ग्रैंड लीग में क्यों शुभमन गिल को नहीं रखना है कैप्टन वो भी बताएंगे। देखिए शुभमन गिल ने पिछले 10 मैचों में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, 800 से ज्यादा ऊपर रन बनाए, इनको आपको टीम में रखना है। हार्दिक को आपको टीम में रखना है, डेवन कॉनवे को टीम से ड्रॉप कर देना, ऋतुराज गायकवाड़ को आपको टीम में रखना है, पिछले 4 मैचों में हाफ सेंचुरी लगातार इस टीम के खिलाफ जड़ चुके हैं, ये ग्राउंड पसंद करते हैं, यहां पर खेलना पसंद करते हैं, इनको आपको टीम में रखना है। मोहित शर्मा को अंडर एस्टिमेट करना ही मत, 20 से ज्यादा विकेट इस सीजन में ले चुके हैं, पिछले 3-4 मैचों में तो बिल्कुल कहर सा ढा दिया है, मुंबई के खिलाफ 5 विकेट और चेन्नई के खिलाफ 4 विकेट, मतलब गजब के छाए हैं। मोहम्मद शमी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं और पर्पल कैप होल्डर भी हैं फिलहाल के लिए। बात करेंगे मोहम्मद शमी, राशिद खान, मोहित शर्मा, 3 तिकड़ी जो ये बॉलिंग की है ना, एक स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर बहुत जबरदस्त छाए हुए हैं। मथीसा पथिराना आपको चेन्नई की तरफ से मिल जाएंगे, इनको टीम में रखना है, रविंद्र जडेजा को टीम में रखना है, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके अलावा तुषार देशपांडे को भी आपको टीम में रखना है, और ये चीज आपको ध्यान देना है, जो टीम पहले बॉलिंग करने के लिए जा रही है उसके ज्यादा बॉलर्स आपको टीम में नहीं रखना है, जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी उसके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों को आपको टीम में रखना है, वो आपको विकेट दिलाते हुए नजर आएंगे। तो ये तो 8 प्लेयर मैंने बताए जिनको आपको टीम में रखना है, इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको आपको टीम में रखना होगा, जैसे कि अजिंक्य रहाणे को आपको टीम में रखना है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं और इस मैच में भी आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तुषार देशपांडे को आपको इस मैच में फिलहाल के लिए रखना है, उसके अलावा साई सुदर्शन अगर खेलते हैं तो साई सुदर्शन को एज ए बैट्समैन उनको टीम में आपको रखना ही है, और जोशुआ लिटिल को आपको टीम में रखना चाहिए, वो भी आपको अच्छे पॉइंट्स दिलाते हुए नजर आएंगे। मुंबई की तरफ से अगर यहाँ पर शिशांडा मगाला खेलते हुए नजर आए तो आपको उनको शिशांडा मगाला को टीम में रखना चाहिए। अब दोनों टीमों के विनिंग की बात करेंगे तो चेन्नई यहाँ पर उम्मीद है 60% की चेन्नई ये मैच जीतेगी फाइनल मैच, और 40% चांस है गुजरात के जीतने के। शुभमन गिल को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ग्रैंड लीग की टीम बनेगी उसमें लगभग सभी लोग शुभमन गिल को कैप्टन करे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कुछ यूनिक प्लेयर्स को टीम में कैप्टन करना है। देखिए जो फैंटेसी टीम देते हैं ग्रैंड लीग की, हेड टू हेड दें आप लगाइए, लेकिन जो लोग ग्रैंड लीग की टीम देते हैं भाई, अगर उनकी ग्रैंड लीग की टीम को वहां पर 10,000 लोग देखते हैं तो 10,000 के 10,000 लोग भी उस टीम को लगाएंगे, तो भाई क्या मतलब निकलेगा। आप अपनी यूनिक टीम बनाइए, उसमें आप किसी ऐसे पर्टिकुलर के बारे में ज्यादा विशेष रूप से समझिए, सारे प्रेडिक्शन पिच रिपोर्ट अच्छे से समझिए, देखिए कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं है, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके तब अपनी ग्रैंड लीग की टीम अपने तरफ लगाइए तो आपको जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिलहाल के लिए इस मैच का जो लाइव पिच रिपोर्ट प्रेडिक्शन होगा वो मैं अपने चैनल पर आपको शाम को 6:15 से बताऊंगा, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।